Today we will start chapter 7, factor theorem. For class 10th, for ICSE, from S. Jones. फैक्टर थ्योरम से पहले बच्चे रिमाइंडर थ्योरम, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद हम मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा. लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन और ग्रेटर देन वन. वन और ग्रेटर देन वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन पी ए इज द रिमाइंडर. सिंपल सी बात, कोई भी पॉलिनोमियल मैं लेट कर लेता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं. पॉलिनोमियल को नेम दे दिया पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, जो आपका मन करता है वो दे दो, मैंने पी एक्स दे दिया. कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, सपोज ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से. एक मेथड तो है कि हम लॉन्ग डिविजन से डिवाइड करें, वो तो हो गया लॉन्ग डिवीजन. अब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे आएगा, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करो कितनी आ गई, टू आ गई. इस टू वैल्यू को यहां पे फिल कर दो, पी टू, टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन, टू स्क्वायर इज फोर माइनस सिक्स प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव माइनस सिक्स, रिमाइंडर इज माइनस वन. अब इसी को मैं बच्चे लॉन्ग डिविजन से शो करके दिखाता हूं कि रिमाइंडर माइनस वन ही आएगा. एक्स स्क्वायर लॉन्ग डिविजन आती है बच्चे, पहले तो ये बताओ पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आता है बच्चे? नहीं आता, कोई बात नहीं, ये भी मैं सिखा दूंगा. फर्स्ट हम देखते होते हैं x, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाए, x ऊपर, x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसका भी यूज होगा बीच में. माइनस प्लस, 3x माइनस का है 2x प्लस का है, तो माइनस x प्लस वन आ जाएगा. x को किससे करें माइनस x आ जाए, माइनस वन से. माइनस वन को x से किया माइनस x, माइनस वन को माइनस टू से किया प्लस टू. निचले वाली टर्म के साइन चेंज, ये कट गया, वन प्लस का है टू माइनस का, माइनस वन इज द रिमाइंडर. मीन्स अभी ये नहीं, ये लॉन्ग डिवीजन मैं प्रॉपरली सिखाऊंगा आपको. अगर उन्होंने अकेला रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला है, जो भी डिवाइजर है उसको जीरो की इक्वल करो. यहाँ देखो एक्स माइनस ए डिवाइजर था, इसको जीरो की इक्वल किया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई, यस और नो? यस. उसको फिल किया उसमें, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे होता एक्स प्लस थ्री, कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री, तो देवीशी हम एक्स की वैल्यू क्या फिल करते बेटा? माइनस थ्री. हाँ, इसको जीरो की इक्वल, यहां से एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, माइनस थ्री यहाँ पे फिल कर दो, पी माइनस थ्री की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आंसर, वो हमारा आंसर होगा. समझ गए बच्चे? अगर यहाँ पे आ जाता टू एक्स प्लस थ्री, तो दिया हम क्या फिल करेंगे, इसको जीरो की इक्वल कर लो, 2x is equal to minus 3 and x is
माइनस थ्री अपॉन टू, माइनस थ्री बाई, वो इसमें फिल कर दो तो हमारे पास p माइनस थ्री बाई टू दैट इज द रिमाइंडर आ जाएगा। आगे समझ कैसे करना है, ये था रिमाइंडर थ्योरम। अब आ गया फैक्टर, क्योंकि इसका भी इसके सम्स भी आएंगे हमें, हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करना होगा, कई बार रिमाइंडर गिवन होगा, ठीक है। दूसरा आ गया बच्चे अभी फैक्टर थ्योरम, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ लास्ट में यहां तक ये सेम आ गया, उसके बाद एंड पी ए इज जीरो, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। कम से कम डिग्री वन होनी चाहिए, ऑफ डिग्री वन और ग्रेटर देन वन is divided by x minus a, then p a is and sorry then and वहां क्या लिखा था, then p a is the remainder, यहां पे क्या लिखेंगे and p a is zero, p a क्या चीज होती है, remainder होता है ना, जब remainder zero आ जाएगा तब वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, एंड पी ए जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, डिवाइड करना है इसको x माइनस वन से, तो देवीशी क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू वन, इसको जीरो की इक्वल करके x की वैल्यू वन आती, इसमें फिल करो p वन, वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू वन माइनस टू, वन का स्क्वायर वन, वन इंटू वन वन माइनस टू, क्या आ गया टू माइनस टू जीरो आ गया। इसके बाद एक लाइन लिखनी है, सिंस रिमाइंडर इज जीरो देयर फोर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, मतलब ये रिमाइंडर ही फाइंड किया ना हमने लास्ट, यहाँ पे यही समझाया था कि रिमाइंडर आ गया, ये मीन्स कहने का मतलब अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो देन इट इज अ फैक्टर, देन एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है बच्चे। चलो अब मैंने ना एक कंडीशन अप्लाई कर दी है, जिसकी वीडियो ऑन नहीं होगी मैं उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा, या जो बंद करेगा, ठीक है दिया। अभी हमारे पास बच्चे नियर अबाउट जो फर्स्ट टेन सम्स हैं वो इन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड है, हार्डली मुझे फोर या फाइव सम्स करवाने पड़ेंगे, आपको बहुत इजी से समझ आ जाएंगे फर्स्ट टेन सम्स। देखो पहला सम, एक्सरसाइज सेवन का फर्स्ट सम, फर्स्ट का मैं सिर्फ फोर्थ पार्ट करूंगा, आई कैन डू ओनली द फोर्थ पार्ट, मैं नहीं करूंगा, तुमने करवाना है मुझे। यार देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के आगे नेम नहीं दिया ना इसका कोई, तो अपनी तरफ से नेम रख दो कोई भी, एफ एक्स पी एक्स एम एक्स ए एक्स बी एक्स कुछ भी, पॉलिनोमियल एक्स की वेरिएबल एक्स है ना इसमें, तो लेट पी एक्स या एफ एक्स ले लेते हैं, चलो पॉलिनोमियल को क्या नेम दे दिया, एफ एक्स, पॉलिनोमियल क्या दिया हमें, फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस थ्री इज डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस वन, तो टू एक्स माइनस वन को किसके इक्वल, जीरो के, टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां से वन, एंड एक्स बिकम्स इक्वल टू
1/2 यहां क्योंकि उन्होंने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो एक लाइन बीच में हमेशा मेंशन करनी है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। किसका यूज करना है? रिमाइंडर थ्योरम का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f 1/2, जहां पे x है वहां 1/2 आ जाएगा, 1/2 का क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 1/2 माइनस 3 4 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 12 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इसको कट किया 7 माइनस 3 ये कट हो रहे हैं 2 ये कट हो रहे हैं 3 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 ये तीनों ऑलरेडी कैलकुलेट हो रहे हैं। अगर एलसीएम यहीं पे लेना है यहाँ पे ले लो, अगर इन तीनों को कैलकुलेट करना है तो भी ठीक है। ये दोनों माइनस की है, माइनस 6 प्लस 7 प्लस 1 रह जाएगा, 2 इज द एलसीएम, 1 प्लस 2 कितना टर्म आ गया 3/2, 3/2 इज द आंसर। समझ गए बच्चे? देयरफोर लास्ट में लिख देना, देयरफोर रिमाइंडर इज 3/2। कोई डाउट? कुछ भी नहीं है, ये सारा पार्ट क्या है, कैलकुलेशन है। ये तो अगर आपने गलती करनी है तो कर ही देनी है कैलकुलेशन में। तो ऊपर क्या किया, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल करना है, एक्स की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पे भी एक्स है इस पॉलिनोमियल में, वहां फिल कर देना है, कैलकुलेट करना है एंड गेट द रिमाइंडर। सिंपल एनफ। शर्मा जी, इज इट ओके, समझ आया? देवीशी सो गई, उठो। नो सर। समझ नहीं आया? कुछ नहीं, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बेटा, देखो यही दिया है ना, फाइंड द, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ये डिवाइजर हो गया ना, ये पी एक्स पॉलिनोमियल, मतलब मैंने एफ एक्स ले लिया इसको, वही लिखा, जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिख लिया, उसको जीरो की इक्वल करके एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, वो एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में फिल कर देनी है, इस एक्सप्रेशन में फिल कर देनी है, एक लाइन लिख के, एफ एक्स की वैल्यू हाफ आई थी, यहाँ पे भी हाफ इज इक्वल टू 4 एक्स हाफ, पावर 3 है, पावर 3 आ जाएगी, फिर माइनस है, माइनस साइन, 12 है, 12 एक्स के प्लेस पे हाफ प्लस 14 एक्स के प्लेस पे हाफ माइनस 3। अब ये कैलकुलेशन है बच्चे, सिंपल, इसको तो ओपन करना आता है, कर लोगे? Yes. बस उसको कैलकुलेट किया है बच्चे, वो हमारा रिमाइंडर आ गया, रिमेनिंग फर्स्ट 3 पार्ट्स हो जाएंगे। जल्दी से बताओ दिया, फर्स्ट 3 पार्ट्स हो जाएंगे बच्चे, सेम टू सेम है, पहले पार्ट में फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3, उसको फिल करना है और कैलकुलेशन करनी है, कर लोगे? हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. बोलता तो मैं रहता हूं, एनर्जी तुम्हारी वेस्ट हो जाती है, हैं? सेकंड सम दिया, तूने करवाना है मुझे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप बताएगी तू, बस क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। When x cube plus 3x square minus kx plus 4 is divided by x minus 2,
द रिमाइंडर इज के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब रिमाइंडर हमें के दे दिया, कहते के की वैल्यू फाइंड करो, बताइए. एक्स इज इक्वल्स टू टू. ऐसे नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन लिखना होता है. जो पॉलिनोमियल हमें दिया है उसको कुछ ना कुछ लेट करो. x की फॉर्म में है, पी एक्स लेट कर लेते. लेट पी एक्स किसके इक्वल, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू. हाँ, ऐसे प्रॉपर लिख के जीरो के इक्वल x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, टू. या फिर वही चीज लाइन मेंशन करनी है बाय यूजिंग रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर अभी हमें गिवन है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम में लिखेंगे. p 2 इज इक्वल टू 2q. यस, प्लस 3 इंटू 2q 2 स्क्वायर. हाँ, माइनस 2k. एक बार प्रॉपरली जैसे है वैसे, प्लस 4 इज इक्वल टू k. हाँ, क्योंकि अभी रिमाइंडर दिया हुआ है ना, k मिसिंग है, k की वैल्यू फाइंड करनी है. ये छोड़ दो अभी, ये लिखो सर. तब तो हमें अपॉन x माइनस 2 भी लिखना होगा. नहीं लिखना होगा, क्यों लिखना होगा, why? जो x की वैल्यू आ गई बेटा वो इसमें फिल करो बस. वो क्या होता है, कैलकुलेशन करने से रिमाइंडर आता है. ये रिमाइंडर आ गया, बट रिमाइंडर k दिया है इसलिए k की इक्वल रख दिया. 2 का क्यूब प्लस 12 माइनस 2k प्लस 4. के वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ. 12 प्लस 8 20 प्लस 4 24. K 2 के उस साइड जाके प्लस हो गया. 3k इज इक्वल टू 24 एंड k बिकम्स हियर 24 अपॉन 3 8. k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 आंसर आ गया. हो गया, आ गया समझ? यस. देविशी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया. कौन आ गया? समझ में आ गया, समझ में आ गया. सर बहुत तंग करते हैं ना, सुबह लगा तो ली थी, अब लगाने की क्या जरूरत थी, टेंशन में डाल देते हैं, है ना. शाम भी करने भी होते हैं. हाँ जी देविशी, थर्ड सम आप करवाओगे बच्चे मुझे. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए मिसिंग है. इफ द डिवीजन ऑफ दिस बाय एक्स प्लस सी लीव्स अ रिमाइंडर 5. कितना रिमाइंडर आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा है. थर्ड सम, सबसे पहले पॉलिनोमियल को कोई भी नेम दे दो. अभी मैं जी एक्स दे दूं इसको नेम. किसके इक्वल है, ए एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 4. और सॉरी, ए एक्स क्यूब मैंने थर्ड फोर्थ सम का लिख दिया. लेट जी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 10 इज किससे डिवाइड करना है, x प्लस 3 से. तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. रिमाइंडर हमें 5 गिवन है.
यहाँ पे वही सेम लाइन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, मतलब इसको जीरो के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस थ्री। अब मैं क्या लिखूं? जी माइनस थ्री इक्वल्स टू ए माइनस थ्री क्यूब, ऐसे ब्रैकेट में डाल के, ठीक है, प्लस नाइन माइनस थ्री स्क्वायर प्लस फोर माइनस थ्री माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, फाइव। रिमाइंडर हमें फाइव की बने। माइनस थ्री का क्यूब क्या आएगा बच्चे? माइनस सेवन। ए माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन नाइन जा एट्टी वन, माइनस ट्वेल्व माइनस टेन इज इक्वल टू फाइव। अब ए वाली एक ही टर्म है, ये तीन मतलब चाहे तो यही कैलकुलेट कर लो पहले, ज्यादा अच्छा यही रहेगा। माइनस ट्वेंटी सेवन ही, इलेवन माइनस टू नाइन, सेवन माइनस टू फाइव। माइनस ट्वेंटी सेवन ही, फाइव माइनस फिफ्टी नाइन, माइनस ट्वेंटी सेवन ही माइनस फिफ्टी फोर, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू 54 अपॉन 27, ए की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। समझ आया बच्चे? सिंपल, ये तो कैलकुलेशन ही है, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में वही सेम पार्ट चल रहा है सब में, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल एक्स की वैल्यू फाइंड करो, उसमें फिल कर दो। अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर गिवन है तो ये इसमें वैल्यू फिल करके रिमाइंडर के इक्वल रख देंगे। आया समझ? यस सर। फोर्थ सम, अभी हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इसने मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। क्या लिखा है? इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। एक पॉलिनोमियल को नेम दे देते हैं पी एक्स, दूसरे को नेम दे देते हैं जी एक्स। पहला पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। दूसरा पॉलिनोमियल हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस ए। लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, दोनों को एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है। हाँ दिया, क्या करूं? x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हाँ जी, p टू की वैल्यू क्या आएगी? a इनटू टू क्यू, यस, प्लस फोर इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू माइनस फोर एट ए प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्स माइनस फोर ट्वेंटी टू माइनस फोर एटीन। ये हमारा रिमाइंडर आ गया एक ही फॉर्म में, इनको तो कैलकुलेट कर नहीं सकते ना, लाइक टर्म नहीं है। सेम यहां से भी रिमाइंडर फाइंड करो, वही x माइनस टू जीरो की इक्वल x की वैल्यू टू बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, टू यहां फिल कर दो, g टू की वैल्यू टू का क्यूब माइनस फोर इंटू टू माइनस ए, टू का क्यूब एट माइनस एट माइनस ए, क्या आ गया माइनस ए आ गया, यही आया ना, ये भी रिमाइंडर आ गया। यहाँ एक लाइन मेंशन करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? सेंस रिमाइंडर्स आर सेम, सेम का मतलब जो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर है दोनों को आपस में क्या कर दो,
इसका कहने का मतलब यही हुआ ना कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपस में इक्वल है. 8a माइनस ए बिकम प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 18. 8a प्लस ए 9 माइनस 18 एंड ए बिकम्स इक्वल टू माइनस 2. ए की वैल्यू माइनस 2 आ गई. ये हमारा रिमाइंडर आ गया. अब जो फिफ्थ सम है सेम टाइप का क्वेश्चन ही है बट क्वेश्चन में उन्होंने क्या मेंशन कर दिया. यूज फैक्टर थ्योरम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फाइंड वेदर जी एक्स ये जी एक्स पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. देविशी यस सर फैक्टर कब होता है when multiplied with the number and it makes नहीं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से क्या आया था क्या बताया था मैंने जब रिमाइंडर जीरो होता है रिमाइंडर फाइंड करना आता है. फर्स्ट फोर सम्स में हमने यही किया रिमाइंडर फाइंड करना सीखा ना. अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ जाती है तो क्या लिखेंगे यस इट इज अ फैक्टर अदरवाइज नो इट इज नॉट अ फैक्टर. अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूं. मैं नहीं करवाऊंगा देवीशी करवाएगी. फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट एफ एक्स 7x² माइनस 2√8x माइनस 6 एंड जी एक्स इज एक्स माइनस रूट 2. हाँ जी क्या करें डिवाइजर कौन सा बेटा यहाँ पे देविशी बच्चे बोलिए बताइए इसको जीरो के इक्वल कर लो. यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फिर डर क्यों रही है गलत ना हो जाए इसलिए डर रही है. एक काम करना वहां ना छोड़ आना क्वेश्चन को कि मुझे आयस्ते लग रहा था पता नहीं गलत ना हो जाए इसलिए मैंने छोड़ा ही. ठीक है बोलो देवशी नहीं ना. अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में खुद लिखा है ना बाय फैक्टर थ्योरम तो यहाँ पे हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम डाल देंगे. एफ रूट टू क्योंकि अब हमने एक्स के प्लेस पे क्या फिल करना है रूट टू फिल करना है. रूट टू का स्क्वायर माइनस 2√8 इंटू रूट टू माइनस 6. रूट टू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 टू 7 जार 14 हो जाएगा. रूट 8 इंटू रूट टू फोर Yes, root 16, that is 4. 4 2s are 8, minus 6. ये positive term है, ऐसी रहेगी. ये दोनों negative है, minus 14 हो जाएगा. क्या आ गया? 0 आ गया. Since remainder is 0, r is 0, therefore, yes, gx is a factor of fx. समझ आ गया? या समझ आया बच्चे? यस सर. नाउ इसके रिमेनिंग पार्ट्स अगर रिमाइंडर जैसे जीरो आ गया तो यस इट इज अ फैक्टर. अगर जीरो नहीं आता यहाँ पे तो यहाँ के लिए सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर नो आ जाता है यहाँ पे. समझ गए?
बोलो, कोई और पार्ट करूं कि कर लोगे बेटा? कर लेंगे। दिया? कर लेंगे। नहीं तो ना तुम्हें मुश्किल से बुलाना पड़ता है, अपने आप बोल पड़ा करो, इतने रिजर्व भी नहीं रहते होते, समझे? रिजर्व रहने का कोई फायदा नहीं है। देवीशी मैंने, मेरे को तो ये था तू इसको बोलने लगा देगी और तू भी चुप करके बैठ गई थी, तू भी उस जैसी होगी है देवीशी। मुझे तो ये था तू बोल्ड होगी, पूरा बोलेगी, तू तो उससे भी कम बोलती है। हाँ जी दिया, सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस टू ए माइनस टू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है? When it is a factor. Factor means? Remainder zero. Factor मतलब divisible कब होगा? मान लो कोई मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ, 16 को चेक करना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 16, रिमाइंडर जीरो आ गया ना। कहने का मतलब वही सेम चीज, डिविजिबल कब होगा जब रिमाइंडर जीरो होगा, और रिमाइंडर हमें फाइंड करना आता है, आता है ना दिया? Yes. चल फिर बता दे फिर सारा सा मुझे। सबसे पहले तो लेट पी एक्स या एफ एक्स कुछ भी लेट कर लो यहाँ पे, ये तो सिंपली इसको नेम दिया। क्या दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस टू ए माइनस टू एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस वन। अब यहां तक मैंने लिख दिया, अब मुझे बता दे मैं क्या करूँ यहाँ पे इसके आगे। एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, x is equals to minus 1 by using remainder theorem. फैक्टर थ्योरम डालेंगे क्योंकि डिविजिबल का मतलब फैक्टर होता है ना, फैक्टर चेक करना है। वैसे दोनों में ना इतना कंफ्यूज करते हैं ये रिमाइंड, हम फाइंड तो यहाँ पे भी रिमाइंडर ही कर रहे थे तो रिमाइंडर क्यों नहीं डाला क्वेश्चन में लिख दिया, इसलिए हमें फैक्टर डालना पड़ा। बात एक ही है, यहाँ पे भी अगर रिमाइंडर भी डाल दोगे तो भी सही है बेटा, फैक्टर डाल दोगे ज्यादा बेटर। अब f माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन क्यूब प्लस a इंटू माइनस वन प्लस टू ए माइनस टू इज इक्वल्स टू a। हमें a रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है मुझे, भैया बता पहले तो। No, sir. क्या लिखा है, एग्जैक्टली डिविजिबल, कॉमन सेंस है, डिविजिबल कब होता है जब रिमाइंडर जीरो आता है, समझ गए? अभी हमें एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा हुआ था ना उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, तो हम ये वैल्यू इसमें फिल करेंगे क्योंकि यहाँ मिसिंग है ना, इसको फाइंड करने के लिए हम पहले जीरो को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि फैक्टर दिया था, डिविजिबल दिया था। माइनस वन का क्यूब माइनस वन, आगे प्लस टू ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ए आगे समझ? यस देवीशी उठो, सोना नहीं है। उठी हुई है, समझ आ गए ना बच्चे? हाँ जी देवीशी,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ओहो, कभी के मिसिंग होता है, कभी ए मिसिंग होता है, यहाँ तो दो दो में वैल्यूज मिसिंग हो गई. ए भी मिसिंग है और बी भी मिसिंग है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द एक्सप्रेशन दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन एज वेल एज एक्स माइनस टू. मतलब एक्स माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो भी डिविजिबल है, एक्स माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो भी डिविजिबल है. क्या करें? x minus 1 equals to 0. पॉलिनोमियल को टू टाइम लिख लो. ठीक है बच्चे, समझ आया मेरी बात? Yes, sir. अगर मैं ऐसे समझाने लग जाऊं तो तुम्हें समझ क्या आएगा? ऐसे बोलू? पता नहीं आजकल की जनरेशन क्या खाती है, आवाज ही नहीं निकलती उनकी. किससे? x माइनस टू से. ये x माइनस वन से इसको x माइनस टू से. यही लिखा है ना बेटा कि x माइनस वन पे भी डिविजिबल है और x माइनस टू पे भी डिविजिबल है. डिविजिबल है तो फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. वन का क्यूब प्लस टेन इंटू वन का स्क्वायर. बोलो टेन प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. इलेवन हो गया. ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? माइनस इलेवन. टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही इसको जीरो के इक्वल किया, एक्स की वैल्यू. बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम टू यहां फिल कर दो. टू का क्यूब प्लस टेन इंटू टू स्क्वायर प्लस ए इंटू टू प्लस बी इक्वल टू जीरो अगेन, क्योंकि एक्स माइनस टू से भी पूरा पूरा डिविजिबल है. एट फोर्टी प्लस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. फोर्टी एट टू ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? सेकेंड इसके नीचे लिख लो. कुछ याद आया देवशी? भगवान ने दिमाग तो बहुत दिया है ना, यूज करना नहीं सीखा बस ढंग से. बी के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, साइन सेम है. क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस माइनस प्लस. ए प्लस का है, टू ए माइनस का है तो माइनस ए आ गया. इलेवन माइनस का, फोर्टी एट प्लस का, एट माइनस वन सेवन, थर्टी सेवन आ गया. ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस थर्टी सेवन आ गई. फर्स्ट या सेकेंड कहीं पे ही फिल कर दो. Put in equation first. A minus 37 plus B is equal to minus 11. B minus 11 plus 37. And B 26. ये हमारे आंसर आ गए जो बिल्कुल इन्होंने सेवन कौन सा सम है ये सेवन सम सही है. ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर. दिया? नो सर. रो क्यों रही है? है दिया? नहीं सर. चलो
एट सम बिल्कुल सेम टू सेम टाइप है, बट इसमें दो जो पॉलिनोमियल है वो अलग अलग दे दिए। वहां क्या था, पॉलिनोमियल सेम था बट डिवाइजर अलग अलग थे। जो एट सम है उसमें पॉलिनोमियल एक ही है, पॉलिनोमियल दो है, डिवाइजर एक है। और यहाँ पे दो इक्वेशंस भी नहीं बनेंगी, या तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। x माइनस टू इसका भी फैक्टर है, x माइनस टू इसका भी फैक्टर है। जीरो की इक्वल x की वैल्यू टू, जहां x है वहां फिल करो, बीच में लाइन मेंशन कर देना अपने आप बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर दिया है तो फैक्टर थ्योरम यूज करना, रिमाइंडर दिया होगा तो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर फाइंड करना है तो भी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर फाइंड कर चेक करना है कि नहीं तो फैक्टर थ्योरम। 4 + 2a - 6 = 0, 2a as like 4 - 6 - 2, उस साइड जाके प्लस 2 हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई। ये 0 की इक्वल x की वैल्यू 2, यहाँ फिल करो 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, 4 - 18 प्लस b इज इक्वल टू 0 माइनस 14, उस साइड जाके प्लस 14 हो गया, b की वैल्यू 14 आ गई, a1 b 14। ये हमारे दोनों आंसर आ गए, इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं यूज हुआ। समझ गए बेटा, लग गया बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सम है, सेम टाइप का ही। इसमें बोथ x माइनस टू एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, सो दैट इज p इज इक्वल टू r। पॉलिनोमियल को मैं एफ एक्स पी एक्स मत लेना, क्योंकि p बीच में आ रहा है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, दो टू टाइम लिख लो एफ एक्स, क्योंकि दो फैक्टर्स दिए हुए हैं ना तो हमें टू टाइम लिखना पड़ेगा। x माइनस टू भी फैक्टर है, x माइनस 1/2 भी फैक्टर है, दिया। इट इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2। Factor 2 + r 0 4p + 10 + r = 0. सिंपली x के प्लेस पे मैंने 1/2 फिल कर दिया, अगेन इक्वल टू 0, बिकॉज फैक्टर गिवन है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू पी पी, 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा, प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 4 फर्स्ट टर्म p प्लस प्लस 10 प्लस 4r, जीरो इंटू फोर जीरो। सेकेंड इक्वेशन इसके इसके इक्वली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट साइड क्या है इस इक्वेशन की, जीरो। इस इक्वेशन की भी राइट साइड क्या है, जीरो। मतलब ये एक्सप्रेशन भी जीरो के इक्वल है, ये एक्सप्रेशन भी जीरो के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, जीरो।
ऐसे लाइन लिख के मेंशन करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r, 4p माइनस p, 10 से 10 कट जाएगा, 4r इक्वल टू 0 क्यों लिखा, जरूरत नहीं उसको लिखने की, माइनस r, यहां से 3p इज इक्वल टू 3r, 3 से 3 कैंसिल, नीचे लेके जाएंगे तो यही प्रूव करना था, समझ आ गया बच्चे। यहाँ ना अपॉन में नहीं, इसको सेकंड नहीं लेना, अपॉन खत्म करने के बाद जो इक्वेशन आएगी इसको सेकंड लेना है, उससे तो हमारा सम हो जाएगा, अगर सीधा करेंगे यही लेके तो नहीं होगा ये, तब ये इक्वल प्रूव नहीं होगा, समझ गए? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, if x cube plus ax square plus bx plus 6 has x minus 2 as a factor and leave a remainder 3 when divided by x minus 3, find the value of a and b. इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा बस, करना आपने अपने आप है, पॉलीनोमियल हमें एक ही दिया है, x minus 2 फैक्टर दिया है एंड नहीं सॉरी हाँ ठीक है, x minus 2 फैक्टर है और x minus 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 है, पॉलीनोमियल वही पी एक्स, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर है, एक्स की वैल्यू 2 इसमें फिल करो, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 40, 2 को कॉमन लेके इससे कट रहा है काट दो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, फिर पॉलीनोमियल वही है बट जब इसको x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है देवशी? 3q रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 दिया हुआ है, फिल करो, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9a, मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ बच्चे क्योंकि मैंने सिर्फ हिंट देना है, प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3, यहाँ 0 बिकॉज x माइनस 2 फैक्टर गिवन था और कहते हैं x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 इसलिए इक्वल टू 3 हुआ, 9a प्लस 3b 27 प्लस 6 33, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां से 3 कॉमन लो, a 3a प्लस b यहां माइनस 30 एंड 3a प्लस b माइनस 10 आ जाएगा, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लगा के a एंड b आ जाएंगे, बोलिए yes. ये 10 सम थे एक टाइप के जिसमें हमने सिंपली वैल्यू फिल करनी थी, अब जो 11 सम थे उसमें लॉन्ग डिवीजन आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, तो यहां देखिए 11 का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज, उन्होंने क्या लिखा है फैक्टराइज, पॉलीनोमियल को पी एक्स ले लेता हूं मैं, ये मैं करवा देता हूं बेटा, एक सब एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 गिवन दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर, अब पहले की तरह वैल्यू नहीं फिल करनी, जब उन्होंने फैक्टराइज बोल देंगे ना क्वेश्चन के अंदर और क्यूबिक है और फैक्टर दिया हुआ है तो सिंपली लॉन्ग डिवीजन, अब लॉन्ग डिवीजन के रूल्स सीख लो, कभी उसमें मिस्टेक नहीं होगी, फिर लॉन्ग डिवीजन में सबसे पहले तो जिसको अंदर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं देवीशी बताइए, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड,
और जिसे डिवाइड करते हैं पहला रूल, पहला ये चीज याद रखना है कि दोनों डिविडेंड एंड डिवाइजर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पता है? बताइए व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टू द लोएस्ट वन, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। थ्री पावर वाली, फिर टू वाली, फिर सिंगल वाली, फिर कॉन्स्टेंट, यहां पे भी वही है, दोनों एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। उसके बाद हमेशा ऑलवेज फर्स्ट टर्म, यहां फर्स्ट टर्म क्या है? यहां फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब। तो देवशी मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए? x स्क्वायर। यहां पे हम x स्क्वायर लिख देंगे, x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर, x स्क्वायर को x से किया, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमेशा इक्वल आएगी ही आएगी, अगर इक्वल नहीं आ रही मींस यू आर रॉन्ग, माइनस माइनस। निचले वाली टर्म के साइन हमेशा चेंज होंगे, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ठीक है। ऊपर वाली टर्म का क्या साइन है? प्लस है, ये नहीं है, ये तो वैसे अंडरलाइन किया था, ये प्लस का है, नीचे वाली टर्म का निचला साइन काउंट होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, दिस वन इज कैंसल्ड। देवशी यहां कैलकुलेट करके क्या आएगा? 11x² प्लस 32। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और ये दो टर्म्स जो बच गई हैं, वो भी हम कहां ले आएंगे? नीचे ले आएंगे। देवीशी फिर से देखो, यहाँ चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी तो, ये तो ऑलरेडी था। अब फिर से फर्स्ट टर्म चेक करनी है, x यहाँ 11x², x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 11x² आ जाए? 11x प्लस 11x, यहाँ प्लस 11x डाल देंगे, 11x को दोनों से, 11x को x से करेंगे 11x², 11x को 2 से करेंगे 22x, माइनस माइनस, यहां क्या आएगा देवीशी? 10x, यहां ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x को मैं किससे करूं 10x आ जाए? 10 प्लस 10 प्लस 10 को दोनों से, 10x प्लस 20, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। अगर आपका यहां पे क्रॉस नहीं आ रहा मींस आपने कहीं मिस्टेक की है। क्यों मिस्टेक की है? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, हमें फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 का मतलब यहां क्रॉस आना चाहिए। आ गया, हमने बिल्कुल सही किया है। इसके बाद डिविडेंड पीएक्स ही था ना, ये जो मैंने अंदर लिखा था, इसलिए मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया पीएक्स। किसके इक्वल होता है याद है? डिविडेंड इज इक्वल टू, छोटी क्लासेस में किया था जब डिवाइड सीखा था, चेक करते थे वहां, दिया
डिवाइजर हाँ इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ऋषि याद आया? क्या याद आया? रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर? पूरा बोलो। नहीं है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बोल फिर से, बोलना पड़ेगा। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस डिवाइजर इनटू क्वोशंट। जो ऊपर आता है ये क्वोशंट होता है ना बेटा। फिर से बोल, मैं चलूंगी नहीं आगे जब तक पूरा सही नहीं बोलेगी। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इनटू क्वोशंट। कुछ भी खाना नहीं दिया मम्मा ने आज? नहीं दिया, भूख लग रही है दी देवीशी को। डिविडेंड इज इक्वल टू, सुन ले अब इसके बाद फिर सुनूंगा तेरे से मैं। डिविडेंड इज इक्वल टू लिख ले चाहे डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बोल अब। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बस इतनी सी बात थी। अब मुझे यहाँ बता डिवाइजर कौन सा है? x plus 2 इनटू क्या करना है हमने? x cube plus 13। ये बढ़ेगा तेरे खींच के। क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? क्वेश्चन x square plus 11x प्लस रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो है, प्लस जीरो डालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपको मिडल टर्म स्प्लिट आती है, टेन के फैक्टर जिनको प्लस करें इलेवन आए। हाँ देवीशी जल्दी से। वन एंड टेन। थक गई आज तो देवीशी पक्का। x plus 2, x plus 10, x plus 1, ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। आ गया समझ? नाउ 11th का सेकेंड पार्ट दिया, कोई बात नहीं मैं करवाऊंगा, डिवाइड भी पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। पॉलिनोमियल को पी एक्स लेट कर लिया मैंने, वो क्या दिया है हमें? 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18। इफ इट इज गिवन दैट 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर, लॉन्ग डिवीजन का साइन डाल दिया, ये पी एक्स यहां पे डाल दिया, टू एक्स प्लस थ्री यहां पे आ गया। सबसे पहले क्या चेक करते होते हैं देवीशी? देवीशी क्या गया दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस सर। यस, उसके बाद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 2x इनटू 2x² वेरी गुड। देखो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें? 4x³ आ जाए, 2x²
टू एक्स स्क्वायर को दोनों से करो, पहली टर्म तो ऑलवेज सेम आएगी आएगी, क्या लिखूं? प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। मैं साथ में जाऊंगा ना एग्जाम में, ऐसे ऐसे करता रहूंगा तेरे को, देख ले देख ले देख ले। नहीं सर, मैंने जवाब दिया था दैट एक बार के लिए स्टॉप। अच्छा, ये अच्छा बहाना है तेरा? नहीं सर, बहाना नहीं है सच्ची में। और देवीशी ने तो लैपटॉप का वही खराब कर दिया था, वीडियो ही नहीं चलती कल परसों। तो मैं कैसे भरोसा दिलाऊं, है ना अभी देवीशी? क्या आएगा दिया? 14x2। 20 प्लस का 6 नीचे माइनस का, ये दोनों टर्म्स यहां पे आ जाएंगे ऐसे। अब मैं 2x को किससे करूं 14x स्क्वायर आ जाए? 7x को दोनों से 14x स्क्वायर प्लस 21x। PX dividend divisor into quotient 2x plus 3 into 2x square plus 7x plus 6. 2x plus 3 ऐसे ही, क्या लिखूं? 4 and 3. 6 to the 12 के फैक्टर जिनको प्लस करें 7 आए, 4 and 3. Very good. 2x plus 3 ऐसे ही, फर्स्ट टू में 2x कॉमन है x प्लस 2, नेक्स्ट टू में प्लस 3 कॉमन है x प्लस 2, 2x प्लस 3 x प्लस 2 एंड साथ में 2x प्लस 3, ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। देवीशी, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तेरे को, मम्मी के भैया के पापा? मेरा छोटा भाई। पढ़ने नहीं दे रहा है ना, देवीशी के मार्क्स ना आ जाए कहीं इसलिए। चलो, शो दैट ये जो क्वेश्चन है बेटा सेम टाइप का ही है, वहां सीधा फैक्टर दे दिया था, यहां पे फैक्टर हमने चेक करना है। शो दैट बोल दिया, शो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड हेंस फैक्टराइज कंप्लीटली। एक सम मैं करवा देता हूं, दूसरा सम देवीशी करवाएगी। पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब x माइनस 10 को शो करना है, दिया नहीं हुआ, शो करना है, तो x माइनस 10 किसके इक्वल? 0 के। x की वैल्यू 10 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। टेन फिल कर दो, 10 का क्यूब माइनस 23, 10 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 10 माइनस 120। इसके बाद 10 का क्यूब 1000 माइनस 1 सेकेंड बेटा,
माइनस 10 का स्क्वायर 100, 2300 हो जाएगा, प्लस 1420 माइनस 120, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2420 प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस 2420, ये आ गया, दिस वन, अब जीरो आ गया। इसके बाद नाउ मतलब यहां पे लाइन लिख देंगे, सेंस रिमाइंडर इज जीरो, देयरफॉर यस इट इज अ फैक्टर। उसके बाद इसको शो कर दिया हमने फैक्टर है, एक्स माइनस टेन, ये टर्म अंदर, अभी हमने लॉन्ग डिवीजन सीखा था, एक्स को किससे करिए, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर, या माइनस या प्लस, 23 माइनस का है, 10 प्लस का है, माइनस 13 आ जाएगा, प्लस 142x माइनस 120। देविशी यहाँ ऊपर अब मैं क्या लिखूं, माइनस 13x माइनस 13, सब कुछ आता है, लॉन्ग डिवीजन सब आती है, जान जान के बोल रहे हो, आती नहीं है, नहीं मुझे आती है, लॉन्ग डिवीजन आती है, दिया को भी आती है, खाना दिया अब आ गई, प्लस 13 into 10 130, या माइनस 13 को करना है दोनों से, माइनस 13 into माइनस 10 प्लस 130 हो जाएगा, 12x माइनस 120, अब x को प्लस 12 से 12x माइनस 1, वही सेम क्वेश्चन बन गया जैसे पहले किए हमने, बस इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, इसको शो करना था, तो पी एक्स किसके इक्वल, डिवाइजर एक्स माइनस टेन इंटू कोशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12, रिमाइंडर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एक्स माइनस टेन, 12 के फैक्टर जिनको प्लस करिए 13 आए, 12 and 1, एक्स माइनस टेन एज लाइक, फर्स्ट टू में एक्स कॉमन एक्स माइनस 12, माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 12, एक्स माइनस टेन ऐसे ही कॉमन आ गया, और साथ में क्या आ गया, एक्स माइनस 1, हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है बच्चे, समझ आ गया, ये पार्ट तो वही सेम है, बस एक्स्ट्रा यही आया बीच में, इतना पार्ट जो शो करने वाला था, देवीशी उसको भगा दे पास में से, उसको कह बस 10 मिनट और रुक जा, फिर मैं खेल लूंगी तेरे साथ, भाग जा भाग जा, बात करवाना मेरी उससे, बुलाना, भाग गया भाग गया चलो उसको भी खुद की टेंशन है ना, कि मेरे मार्क्स कम रह गए, दीदी के ज्यादा आ गए, तो फिर बस मेरी बैंड बजेगी, है ना, उसको 95% आते हैं, बहुत अच्छा 95 है, ओके फिर वो तभी टेंशन में है ना, कहीं दीदी ज्यादा ना ले जाए। चलो जो नेक्स्ट टाइम है बच्चे, शो दैट दिस इज अ फैक्टर, सी जेड इज इक्वल टू माइनस जेड, जेड की वैल्यू माइनस 10/3 आ जाएगी, जेड के प्लेस पे फिल कर देंगे, हो जाएगा जीरो आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड करके वैसे ही कर लोगे बेटा, बस एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हम ना किधर गया पिछला पेज, हम पी एक्स एड करते हैं, जब एक्सप्रेशन पूरा जेड की फॉर्म में होगा तो यहाँ पी जेड ले लेंगे, समझ गए, 13 सम,
गिवन दैट दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ये सेम क्वेश्चन इधर गया. दिस वन जो सेवंथ क्वेश्चन ही किया था तो उसमें भी तो ए बी फाइंड करने थे ना. दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ही थे. एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब यही था ना. इसका मतलब सेम मेथड से उसी टाइप से करना है. चलो 14 सम, दो तीन सम ही है, मैं करवा ही देता हूं. 13 सम, सॉरी, पॉलिनोमियल को पी एक्स लेट कर लेंगे हम. एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. फैक्टर कौन कौन से दिए हैं? एक्स माइनस टू दिया है एंड एक्स प्लस वन दिया है. एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी, इसमें फिल करो. टू का क्यूब बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिख देना. टू का क्यूब एट, टू का स्क्वायर फोर, थ्री जा ट्वेल्व, प्लस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. टू ए प्लस बी 20, उस साइड जाके माइनस हो गया फर्स्ट इक्वेशन. इसको जीरो के इक्वल किया, एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई. यहाँ फिल करो, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन इंटू थ्री, थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. टू माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल? माइनस टू के. इसके नीचे रख दो b के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है और साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दिस वन इज कैंसल. 3a इज इक्वल टू 18, माइनस का 18. a की वैल्यू माइनस सिक्स आ गई. यहां फिल कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 2 इंटू माइनस सिक्स प्लस b इज इक्वल टू माइनस 20. माइनस 12, उस साइड जाके प्लस 12 हो जाएगा. बी की वैल्यू माइनस 8 आ गई. यहां तक तो पहले भी किया था ना हमने सेम क्वेश्चन 7, वैसे ही है बेटा. मैंने थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर दिया, समझ गए? दिया? यस सर. देविशी? यस. ये आ गई. अब बट आगे उन्होंने थोड़ा सा और लिख दिया. क्या लिख दिया? हैंस फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर. तो अब क्या करो, पॉलिनोमियल अंदर एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, मतलब माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, प्लस बी मतलब माइनस 8 हो जाएगा. ए और बी की जो वैल्यूज आई हैं इस पॉलिनोमियल में फिल कर देंगे बेटा हम. हमारे पास ये पॉलिनोमियल बन गया ना. अब चाहे इससे डिवाइड कर दो, चाहे इससे डिवाइड कर दो. किससे डिवाइड करें? x माइनस टू से कर लो. कर लोगे डिवाइड? मुझे नहीं आता, क्रॉस आएगा या आएगा. उसके बाद नेक्स्ट सम, सेम गिवन दैट दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करो, रिमेनिंग फैक्टर फाइंड करो. कर लोगे? जो 15 सम है इसमें जैसे अभी यहां से 11 से लेके हमने 14 तक किया है, वहां हमें एक ना एक फैक्टर गिवन था या शो करना था. बट इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दिया, इसके अंदर खुद ही फैक्टर फाइंड करना है एक, और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करनी है. कैसे वो देखिए. क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पार्ट, लेट पी एक्स. मैं एक ही पार्ट करूंगा, रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप करोगे घर पे. ओके, एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 19 एक्स
माइनस 30। जो लास्ट नंबर है ना अभी, उसके फैक्टर्स निकालो, डिफाइन करो। फैक्टर्स ऑफ 30 आर, वन के रियल में 30 आते हैं, यस, प्लस माइनस वन आर द फैक्टर्स, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 15 एंड प्लस माइनस 30, दीज आर द फैक्टर्स। अभी रफ वर्क में वैल्यू फिल करके देख, फिल करके देखते रहना है। वन फिल करेंगे तो जीरो आएगा, ये सिंपल है। वन माइनस 19 माइनस 30 नहीं आएगा। माइनस वन फिल करेंगे तो भी नहीं आएगा, माइनस वन प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 30। टू फिल करो, टू का क्यूब 8, रफ वर्क में कर रहा हूं मैं। 19 टू जा 38, माइनस 30 अभी भी जीरो नहीं बन रहा। फिर माइनस टू ट्राई करो, माइनस टू का क्यूब माइनस 8, माइनस टू इंटू माइनस 19 प्लस 38 माइनस 30, माइनस 38 प्लस 38 जीरो हो गया, हो गया जीरो। मतलब यहां पे लेट x इज इक्वल टू माइनस 2 फिल करेंगे। देवशी समझ आया? रफ वर्क में हम चेक कर लेंगे जोन सी, इनमें से जोन सी वैल्यू पे जीरो बनेगा स्टार्टिंग से देखेंगे। जिस वैल्यू पे जीरो बनेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, माइनस टू पे जीरो बन रहा है यहाँ फिल करो पी माइनस। अब इसको शो करेंगे हम पूरा, माइनस टू का क्यूब माइनस 8, माइनस 19 इंटू माइनस 2 प्लस 38 माइनस 30, क्या आ गया यहाँ पे माइनस 38 प्लस 38 इज जीरो। माइनस टू इस साइड ले आओ क्योंकि जीरो आ गया ना, तो फैक्टर हो गया ये, इसको इस साइड क्योंकि हम यही कर रहे थे ना, एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर। अब उसके बाद वही सेम चीज, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, एक्स प्लस टू यहां पे आ गया। दिया मैं यहां पे क्या लिखूं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, पर स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं तो बिल्कुल लास्ट पे ऐसे लिख दे, यहां नहीं लिखना क्योंकि तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना ऊपर, तो कहां पे लिखेंगे हम, लास्ट पे लिखेंगे। फिर माइनस माइनस, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली टर्म सबसे पहले आ जाएगी, फिर ये आएगी, फिर माइनस 30। एक्स को मैं किससे करूं माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स से, दोनों से करो माइनस 4x माइनस 15x माइनस 30, माइनस 15 से माइनस 15x माइनस 15 इंटू 2 माइनस 30। क्रॉस तो आना ही आना है, क्रॉस नहीं आता मींस हमने रॉन्ग किया है। अब डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशेंट, बस वही सेम फंडा, देखो सारे समझे वही सेम चीज चल रही है। कहीं पे फैक्टर हमें दे दिया, कहीं पे शो करना है उसके बाद फैक्टराइज करना है, कहीं पे हमें कुछ भी नहीं दिया सिंपल एक एक्सप्रेशन दे दिया, वहां इस टाइप से करना है जैसे अभी किया मैंने। यहाँ पे वन से स्टार्ट हो जाएंगे, वैल्यू फिल करके देखनी शुरू कर देंगे, जिस वैल्यू पे जीरो बनेगा वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, इसमें फिल कर दिया जीरो आ गया, दिस इज अ फैक्टर। ये मतलब एक्स माइनस टू फैक्टर नहीं है, अगर यहाँ प्लस टू पे जीरो आता तो एक्स माइनस टू हो जाता, अब माइनस टू पे जीरो आया तो एक्स प्लस टू हो गया द फैक्टर। अब इसके बाद मिडल टर्म तो हो ही जाएगी, बोलिए। यस, अब ये सिंपल सम है, 16 सम, HCF का मतलब फैक्टरी होता है, HCF का मीनिंग क्या होता है, फैक्टरी होता है। x माइनस थ्री इसका फैक्टर है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, जीरो के इक्वल करेंगे जी 3 आ जाएगी,
x के प्लेस पे फिल करो, जीरो के इक्वल कर दो, तो p की वैल्यू निकाल लोगे ना। दिया देविशी? यस सर। देविशी? यस सर। निकल जाए, बीमार ना, जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो ऐसे बोलती है ये। अकड़ के बोला कर, खुल के, कोई नहीं सुनाई दे रहा, कोई नहीं सुनेगा इसको, ठीक है? यस। अभी भी यस। अब x माइनस थ्री यहां फिल करो, x के प्लेस पे इक्वल टू जीरो, p एंड q की वैल्यूज आ जाएंगी, यहां फिल कर देना, आंसर आ जाएगा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, समझे? यस। नेक्स्ट समय जो दोनों इतने ज्यादा इजी है ना, तुम बोलोगे बस व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तीन चार चार लाइनों के सामने लेट नंबर सब्ट्रैक्टेड बी, एक्स नहीं लेना क्योंकि एक्स तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, वेरिएबल है, ए ले लिया तो पी एक्स बिकम्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80 माइनस ए, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, किससे डिविजिबल, x प्लस 4 से, जीरो के इक्वल माइनस 4 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, माइनस 4 इसमें फिल कर दो, माइनस 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू माइनस 4 प्लस 80 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब ए की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल है ना, लास्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, दैट इज सेम, उसमें एडिड है, जैसे इसी में बोला था ऐड तो यहाँ प्लस हो जाता, प्लस वही वैल्यू फाइंड करके जीरो के इक्वल डिविजिबल का मतलब फैक्टर, समझ गए बच्चे? चलो कल मिलते हैं, आज तेरी और क्लास नहीं लगाऊंगा, दिया एनएफ है आज, आज हमने दो चैप्टर खत्म कर दिए है ना, चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय, कर लेना पर इसको।